हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। जैसा कि आज 5 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरे वीडियो का, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मैं लेके आ चुका हूँ तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको देखना भी जरूरी है और कुछ बातें भी करेंगे, कुछ आपको बताना भी है क्या करना है अब आपको, क्योंकि पैटर्न कुछ बदल रहा है एग्जाम का, कुछ हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरीके से आपको क्या करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, तो इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। उसकी चिंता मैं करूँगा, आपको बताऊँगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे टॉपिक लेके आता हूँ, जैसे कि बहुत से पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी हैं और वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। लगभग 8,000 से ज़्यादा लोग अब जुड़ चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से फ़ायदा इसका उठाइए। बिल्कुल मुफ्त में आपको यहाँ पर शिक्षा मिल रही है। आपको मैं कई सारे टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ, साइंस के हैं, जीएस के अपलोड हो चुके हैं, टोटल कोर्स वहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन आगे मैं और भी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए। अब देखो, देखते हैं क्या क्या आज क्वेश्चन पूछे गए, वो सब देखते हैं फिर क्वेश्चन। दोस्तों देखो, जैसे क्वेश्चन आया कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, मतलब जो आर्सेनिक होता है उससे क्या होता है, तो व्हाइट फूड रोग होता है। क्या होता है? व्हाइट फूड रोग। और किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलेनियम होता है। क्या? पोलेनियम। अभी कुछ बातें बताना है क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, ये आप लोगों के लिए जरूरी है जानना। यहाँ पे आया बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट मिला दिए गए क्वेश्चन। इसमें ये नहीं कि कोई फर्स्ट शिफ्ट का पहले होगा, सेकंड शिफ्ट का बाद में होगा, ये नहीं है। कहो पहले फर्स्ट का आ जाए, कहो सेकंड का आ जाए, ऐसे है। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका ये होगा। यहाँ पे आया कि यहाँ पे आ गया WWW, मतलब WWW, इसका फुल फॉर्म, मतलब इनका खोज किसने की इसकी, तो किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। अब देखो यहाँ पे आया जो WWW, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। दूरदृष्टि लेंस में देखो, सुबह मैंने दोस्तों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वही देखो क्वेश्चन आ भी गया। मैंने बताया था, कुछ अलग क्वेश्चन था, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। लेकिन मैंने बता दिया था ये लेंस कब किस में यूज होता है, तो देखो दूरदृष्टि में कौन सा होता है? उत्तल, और निकट दृष्टि में अवतल होता है। चोल वंश का जो मंदिर है, चोल वंश का मंदिर है वो किसने मतलब बनवाया था, मतलब सॉरी चोल वंश का मंदिर कौन सा है, तो कौन सा? बृद्धेश्वर। देखो यहाँ पे बहुत से मंदिर उन्होंने बनवाए थे, जो ये बृद्धेश्वर है ये कहाँ का? तंजौर का है। कहाँ का? तंजौर। ये लिख लीजिए चाहे तो आप, तंजौर का है। कहाँ का? तंजौर का है ये जो बृद्धेश्वर है। अब देखो, एक ये भी बनवाया था तंजौर का, एक बनाया था एरेश्वर, मैं लिख देता हूँ एरेश्वर, ये इन्होंने और बनवाया था, और एक और इन्होंने बनवाया था गांगेकोंड। क्या? गांगेकोंड, ये भी बनवाया था। ये आप लोग सब चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बदल के आ सकता है, ऑप्शन में शायद कौन सा दिया हो, तो ये आप कर लीजिए। अब आया रामनाथ कोविंद किस दो, मतलब ये कहाँ के पहले गवर्नर रह चुके, जो राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के थे। कहाँ के? बिहार के गवर्नर थे ये। अब ये आया देखो, ये आया बेन डायग्राम से, सब्जी शिमला मिर्च और बीन्स में क्या संबंध बनेगा? तो देखो सब्जी के अंदर दोनों चीज़ आ जाएंगी, शिमला मिर्च भी आ जाएगी और बीन्स भी आ जाएंगी, तो ऐसे है ये। RBI गवर्नर पूछ दिया, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, उर्जित पटेल। कौन सा है? उर्जित पटेल है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया, सी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, तो फिर क्या होगा? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सी के बाद ई, तो कितने बाद? डी छोड़ के ई आ गया, ई के बाद एफ आता है, एफ छोड़ के जी आ गया, एफ आ गया और जी आ गया, जी के बाद क्या आया? आई। जी के बाद क्या आता है? एच, उसे छोड़ दिया तो आई आ गया, एच के बाद आई आता, आई छोड़ दो यहाँ पे, तो आई फिर नहीं, जे छोड़ दो जे, फिर के आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक एक छोड़ के लिखना है आपको, यहाँ पे गैप करना है। परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है? AMU से किया जाता है। किससे किया जाता है? AMU से। अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न समझने लगना, यहाँ पे AMU है, इसका फुल फॉर्म वैसे होता है एटॉमिक मास यूनिट कुछ करके है इसका, वो होता है। काजीरंगा, तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गेंडे के लिए जाना जाता है। किस लिए? गेंडे के लिए जाना जाता है, गेंडा जो है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखो एक आ गया AC का लिखते CF, तो MO का क्या लिखेंगे? देखो ये मैंने सुबह शिफ्ट में काफ़ी बताया था सही से समझा के, अगर मैं अभी समझाने लगूँ तो टाइम लग जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं तीनों शिफ्ट के, काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं इसलिए, और एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, काफ़ी कुछ मैसेज से आ जाते हैं जो वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, तो वो भी बता देता हूँ। तो देखो ए का यहाँ पे सी कैसे हुआ? बी छोड़ दिया, यानी एक छोड़ के। सी के बाद एफ कैसे हुआ? दो छोड़ के। इसी तरीके से एम का एक छोड़ के होगा, एन छोड़ के ओ हो जाएगा, इसमें दो छोड़ के आर आ जाएगा, तो इस तरीके से करना है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती? तो 2×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। आग बुझाने वाली गैस तो क्या होती? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग बुझाने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? थायरोक्सिन में। किस में पाया जाता है? थायरोक्सिन में पाया जाता है।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी कहते हैं, जो ऊतक का जिसमें अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था, ये मैंने सुबह बताया था, एफ बराबर एन, ये देखो यहाँ पे ये दिखाया लिखा है एफ बराबर 210 न्यूटन, यानी कि एम बराबर 20 kg, तो ए बताना था यानी कि त्वरण बताना था। तो एफ बराबर एम ए वाला फॉर्मूला पुट करोगे आप, एफ बराबर एम ए ये फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यू कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब कर लेना। किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप दिए गए थे? तो 60% सब्सिडी पर दिए गए थे। रक्त का पीएच मान 7.4 कितना होता है? 7.4 होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे आवर आवानी, यहाँ पे आवर साड़ी कर देना, आवर साड़ी है। आवर साड़ी में अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? आवर साड़ी में अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा? तो यूरेनियम होगा। कौन सा? यूरेनियम होता है आवर साड़ी में। अभी मैं उन लोगों के क्वेश्चन नाम बताऊंगा जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का जवाब दिया था, यानी कि सेकंड शिफ्ट वाले में जिन लोगों ने जवाब दिया था उनके नाम बताए जाएंगे, चिंता ना करिए। और क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछेंगे और बताएंगे कैसे आपको अब तैयारी करने, ये भी बताएंगे। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? तो 1877 से। डिप्थीरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास नली होती प्रभावित। कौन होती? श्वास नली। सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो त्वचा है। कौन है? त्वचा सबसे बड़ा। यहाँ पे बाहरी अंग स्पेशल पूछ दिया तो आसानी से आप त्वचा कर लोगे ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है जब त्वचा और लीवर होता है, तो मतलब दिक्कत आने लगती है, समझ नहीं पाते लोग, कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तब भी आपको त्वचा ही करिए, त्वचा सबसे बड़ा माना जाता है। ये देखो एक हट के क्वेश्चन पूछ लिया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन थोड़ा आया है। ओपी रावत का फुल फॉर्म पूछ लिया। देखो ओपी जो मतलब चुनाव आयुक्त हैं, तो देखो ओपी रावत का मतलब फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ओम प्रकाश रावत, ओ से ओम, पी से प्रकाश, तो रावत तो है ही अपना, तो ओम प्रकाश रावत हो गया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1664 में। सबसे अधिक सड़कें किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कास्ट स्प्रिट किस मतलब कौन सी होती? तो मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 करी जाती है। कर्क रेखा, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से? देखो वहाँ पे तो कई सारे राज्य आते हैं, कई सारे राज्य होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं, देखो मैं आपको गिना देता हूँ। देखो एक हो गया मिजोरम, एक हो गया त्रिपुरा, एक हो गया पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये हो गए 8 राज्य लगभग, हो गए 1, 2, 4, 6, 8 8 राज्य हो गए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको याद कैसे रखना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 8 राज्यों में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो मैं ट्रिक दिखा देता हूँ आपको, ट्रिक समझा देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। इसके लिए आप याद रखिए, मित्र 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 पर गमछा झार, ऐसे करना है आपको। तो माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा हो गया, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो गया यहाँ पे। अब गमरा गमछा है तो गुजरात कर दो, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, मित्र पर गमझा झार, ऐसे आप कर लेना। तो ये इसमें से वहाँ पे त्रिपुरा ऑप्शन था, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी आया तो 65 को, 65 को क्या लिखते हैं यहाँ पे? 65 को देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये, अच्छा 65, 77, 81, 53 और 171 में सबसे हटके कौन है, विषम संख्या कौन है, इसमें अलग कौन है? तो कौन सी है? 53 है। कौन है? 53, क्योंकि जो यहाँ पे सब कट रही हैं, सब संख्याएं कट रही हैं। देखो 65 भी कट रही 13 से, 77, 11 सबसे कट रही 77, 11 और 7 से, 81, 9 से, 171, 19 से कट जाएगी। तो ऐसे ये सब कट रही हैं, लेकिन ये 53 नहीं कटेगी, तो ये नहीं कट पाएगी। तो ऐसे ये आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। अब दोस्तों एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप तैयारी करनी कैसे करनी है। रीढ़ की कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है? प्रारंभ में 33 होती है, फिर बाद में 26 हो जाती, कम हो जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियाँ मिल जाती हैं, जुड़ के एक हो जाती हैं। राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, मतलब ये क्या है? देखो ये राष्ट्रीय मतलब जो पुष्प है, किसे कहते हैं? गुलाब, कमल को कहते हैं, तो उसका यही नाम है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। तो देखो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं, बात बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अब पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है, क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो दोस्तों जो कल और परसों छुट्टी रहेगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप देखते जाना। मैं देखूंगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालाइज करूंगा, थोड़ा समझूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग वो भी देखना, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन आए हैं इनसे जो और क्वेश्चन जुड़ के बन सकते हैं, जैसे आया घाघरा का युद्ध, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हुई थी, किन के बीच में हुआ, तो वो बताएंगे। चोल का मंदिर, चोल मंदिर जैसे बंस कौन कौन से मंदिर बनवाए, वो सब डिस्कस करेंगे। ये कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती, सारे राज्यों को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन उनसे हट हट के अलग अलग आएंगे। क्या होगा, आप
टॉपिक वही जैसे आवर्त सारणी है, अब उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी टाइप से अब ये चीज़ें हैं इनसे भी घुमा फिरा के पूछेंगे, मतलब जो आपकी कर्क रेखा है आपको दूसरा राज्य दे दें, तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें तैयार रखनी। तो अब आप मेरे साथ बिल्कुल चलिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, इसकी चिंता ना करिए। अब आता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया था, ये आप बताएंगे 16 का 4 लिखा गया तो 9 का क्या लिखोगे, 16 का 4 लिखा है तो 9 का क्या लिखोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन चलो दे देते हैं, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ए में ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, डी में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे 16 को 4 लिखते तो 9 को क्या लिखेंगे, देखें कौन बताता है। सबसे पहले जो जवाब बताएगा उसका नाम बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ओम किसकी इकाई है, तो प्रतिरोध की यानी कि रेसिस्टेंस की है। अब 22, 44, 154 का एससीएफ क्या होगा, तो 22 होगा, ये काफ़ी बार बता ही चुके हैं, तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देखना था। पहले उन लोगों नाम बता देते हैं जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का जवाब दिया था, फिर क्या करेंगे, फिर हम मतलब और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम, इसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन वो भी आया था शिफ्ट में, तो बस शिफ्ट में क्या होता है देखते हैं। हमने ये एक देखा है कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया उसी रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ जाता है, बिल्कुल वही पटक देते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो अब क्वेश्चन आपको देखना तो सेकंड शिफ्ट का वीडियो देख लीजिए। वैसे क्या है क्वेश्चन, ये था कि कुछ दिया था स्क्वायर था, जैसे 5 का 25 लिखा था, ऐसे ही 8 का क्या लिखेंगे इस तरीके से था, तो 8 का 64 लिख रहे होंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 64 शैलेंद्र कुमार ने सही दिया, शैलेश कुमार ने, मूल शंकर ने सही दिया, कुंदन ने सही दिया, प्रोसेनजीत ने सही दिया, अभिषेक ने सही दिया, और जो क्या लिखे अहजक ने सही दिया, आजम ने दिया सही, आजम अंसारी ने, मूल शंकर, और अच्छा ये लिप हैं, और ये देखो इंग्लिश में देखो क्या होता है, इंग्लिश बहुत कम लोग हैं तो फिर समझ नहीं पाएंगे अगर इंग्लिश में देने लगेंगे तो। और यहाँ पर राजेश कुमार ने सही दिया, मुकेश कुमार ने सही दिया, और ये देखो लिख रहे हैं बलजीत सिंह हो जाता है सर, कोई बात नहीं ठीक ओके। और यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो एनी बेसेंट ने लिखी, किसने, एनी बेसेंट। ये अलजेब्रा से 2 प्रश्न आए थे, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। आभूषण बनाते समय सोने में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती, कौन सी धातु मिलाई जाती, तो तांबा मिलाया जाता, क्या मिलाया जाता, तांबा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, वैसे तो ऑक्सीजन फ्लो करता है पूरे शरीर में, लेकिन एक कार ऑप्शन में ये था, लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है, रेड कलर। तो न्यू इंडिया पुस्तक किसने, ये तो वही क्वेश्चन, ये स्टीफन का नियम आ गया था, क्या है नियम, किसी वस्तु का सृजन क्षमता ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ई ये अनुक्रमानुपाती टी की पावर 4, ये ऐसे होगा आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास कहाँ किया, तो आजमगढ़ में किया था। जिला राज्य देश में क्या बनेगा, तो देखो पहले जिला फिर राज्य फिर देश, इस तरीके से इसमें बैन डायग्राम बन जाएगा। और दोस्तों हम आप लोगों से क्वेश्चन तो पूछ ही चुके हैं एक दूसरा, आरबीसी का कार्य यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप डब्ल्यूबीसी कर लेना, क्या कर लेना, डब्ल्यूबीसी, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आरबीसी ऑक्सीजन को फ्लो करता है पूरे शरीर में, आरबीसी फ्लो करता है ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन भी करता है, तो ये आप ध्यान रखना, आरबीसी ये हो गया, तो ये आरबीसी क्या करेगा, ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन को फ्लो करता है, और डब्ल्यूबीसी रोग को प्रतिरोध को क्षमता बढ़ाता है, यहाँ पे डब्ल्यू कर देना आर की जगह, जो पीडीएफ जब बदलेंगे तो ये हटा देंगे इसे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक में क्या मतलब क्या नाम है उसका, तो क्या है अर्थशास्त्र, क्या है अर्थशास्त्र। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो किसकी बनी होती, सेलुलोज की बनी होती, किसकी, सेलुलोज की। भारत में वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून में, कहाँ पर, देहरादून में। व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित, तो उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में। MILN में सबसे हटके कौन है, तो आई है, क्योंकि ये देखो क्या है मतलब ये है क्या कहते हैं बॉबल्स, और वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। अपसौर क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती तो अपसौर कहते हैं, और उपसौर कहते हैं जब बिल्कुल पास में होते हैं। 10 को 17 लिखते हैं, 17 को 26, तो 37 को क्या लिखोगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबका स्क्वायर और एक होता जा रहा है, देखो 3 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर + 1, ऐसे ही आप करते जाओगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर + 1 करोगे 50 हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको जानना भी है ज़रूरी किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आप तैयारी भी कर सकें। अब मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, मतलब 2-3 दिन पेपर नहीं होगा, तो आप लोगों एक चीज़ और है, सचेत रहना ऐसे लोगों से जो लोग कल वीडियो बना दें तो मान लेने बिल्कुल फ्रॉड हैं वो लोग, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी 2 अक्टूबर को जैसे पेपर नहीं था, कुछ लोगों ने वीडियो अपलोड किए थे, दिखाया था कि पेपर ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कितना धोखा बेचारे स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ तो ऐसा ना करो, समाना अपने माँ बाप के साथ वो लोग धोखा करते होंगे, जब आप लोगों के साथ करते तो माँ बाप के साथ भी धोखा उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्या मिल जाएगा? एक दो वीडियो अगर आप झूठ बना दोगे तो क्या मतलब, कोई करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, 1000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। पता नहीं क्या मतलब मानसिकता, इतनी छोटी घटिया किस्म की मानसिकता लोग लिए बैठे हैं कि जिस दिन छुट्टी उस दिन भी पेपर का वीडियो बना दिया था। मतलब कुछ नहीं बता सकते, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों आपसे बस एक मुझे उम्मीद है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो कम से कम 3 ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करिए। और आप लोग अगर मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग Metexa07 से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं Metexa07। यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं कुछ पिक जो मेरे सिल्वर प्ले बटन मिली, आप लोगों का प्यार आ चुका है, तो ये पिक मैंने यहाँ पे अपलोड की इंस्टाग्राम में, आप लोग जरूर देखें जाके और मुझे फॉलो कर लें वहाँ पे, जिससे कि मैं कोई भी पिक अपलोड करूँगा तो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही सब बातें थी। और SSC CGL नोट्स के नाम, सॉरी, एक Metexa के नाम से फेसबुक में भी पेज बनाए, उसे भी आप फॉलो कर लें। Metexa के नाम से फेसबुक में पेज बनाए, जल्दी से आप उसे भी फॉलो कर लें। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए, आपको हेल्पफुल भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।